लेकिन काजोल यहाँ दिलचस्प लड़ाई कई सीटों पर दिखाई दे रही है और किस तरह से इस लड़ाई को लड़ा पाएगा ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान सिंह बताने पर पहले की कई दिलचस्प सीटें हैं जहाँ धनसिंह रावत है, गणेश गोदियाल है, एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखने वाले धनसिंह रावत भी हैं, चौबट्टा खाल में सतपाल महाराज की लड़ाई है, और दूसरी तरफ कोटद्वार में अगर हम बात करें तो रितु खंडूरी जो कि 2012 में भुवन चंद खंडूरी की बेटी है और बकायदा जो है बेटे बेटी जो है पिता की हार का बदला लेने के लिए चुनावी रण में दिखाई दे रही है। कई दिलचस्प मुकाबले इस बार है, इस बार जो 70 की 70 सीटें हैं वो हॉट सीट बनी हुई है और उनमें से कई दिलचस्प सीटें ऐसी है जहां पर पिछली हार का बदला लेने के लिए प्रत्याशी रण में है, पिता नहीं पिता के तौर पर अगर हम बात करें तो बेटियां रण में है। मैं सिर्फ रितु खंडूरी की बात करूं या हरिद्वार क्षेत्र में अनुपमा रावत, हरिद्वार का ये वो गढ़ है जहां पर हरीश रावत पिछली बार चुनाव हार गए थे और वहां पर उनकी बेटी खुद चुनावी रण में पिता की हार का बदला लेने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो कई दिलचस्प सीटें हैं इस बार, लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू मैं जो जिस पर चर्चा करना चाहूंगा, यहां दिलचस्प बात यह है कि 82 लाख वोटर में से 1 लाख लगभग 40,000 सर्विस वोटर्स हैं जो कि पोस्टल जो खासतौर पर ईमेल के जरिए जो है जो पोस्टल वोटर माना जाता है और उसके जरिए जो है पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट देते हैं और उनमें से लगभग जो मेरे पास आंकड़ा आया है कि 27,108 सर्विस वोटर ने अपना पोस्टल बैलेट डाला है। ये मैं आपको बता दूं कि कई सीटों पर एक अहम फैक्टर रखता है, क्योंकि खासतौर पर जो उत्तराखंड के भीतर देखा जाता है जहां पर फौजी मतदाता है उनका रुझान क्या है वो बहुत कुछ निर्भर करता है आने वाली सरकार के ऊपर, आने वाली सरकार के ऊपर सीधे तौर पर इसका असर भी होता है, जो कि जो वोटर होते हैं खास तौर पर जो सर्विस वोटर होते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये दबाव होता है कि या तो वो राष्ट्रवाद के आधार पर वोट डालें, क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में अक्सर जो नेता आते हैं वो इसी तरह के बयान देते हैं कि जो राष्ट्रवाद को प्रभावित करे। और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये है कि ये जो पोस्टल बैलेट्स हैं जहां पर जो वोट डाल चुके हैं वो किसके पक्ष में गए हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। लेकिन केशव मैं आपके पास आना चाहूंगा, मेरा ऑडियो अगर आपको आ रहा है तो, उत्तराखंड के संदर्भ में अगर हम हरिद्वार सीटों का जिक्र करें तो वहां क्या कुछ मतदान को लेकर स्थिति सामने आ रही है अब तक हरिद्वार में? बिल्कुल, अभी अगर बात करें हम सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था तो अभी तक लगभग जो है 10% मतदान हो चुका है। अगर हम ज्वालापुर विधानसभा की बात करें तो ज्वालापुर विधानसभा में भी कई बूथ बने हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 15 और 16 नंबर बूथ पे, तो यहाँ भी लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है, लोग अपना मत का प्रयोग करने के लिए लंबी लंबी कतार लंबी लंबी लाइनों में लगे खड़े हैं। देखिए कहीं ना कहीं अगर सुबह हम बात करें हरिद्वार में बहुत सारी सीट है जो हॉट सीट बनी हुई है, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें हरिद्वार ग्रामीण सीट की तो किसी ने बड़े बुजुर्ग ने एक पहलू कहा था कि मूल से महंगा होता है ब्याज, तो इसी तरह से ब्याज इस बार अपने पिता की हार का बदला लेने अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण सीट से उतरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था 2017 के चुनाव में और कहीं ना कहीं ये बहुत हॉट सीट बनी हुई है। अगर हम बात करें हरिद्वार की तो हरिद्वार में भी 4 बार के सिटिंग एमएलए मदन कौशिक और कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी भी हैं तो प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, तो उनके लिए भी एक जो सीट है ये हॉट सीट बनी हुई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि ज्वालापुर विधानसभा में क्या ये बदलाव चाहते हैं या इसी सरकार को इसी ढर्रे को यूं ही चलने देंगे। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहित सागर। मोहित जी आप मतदान करने पहुंचे हैं और आज 14 तारीख का जो इंतजार था, इंतजार की घड़ियां थी वो समाप्त हो गई हैं और आज मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं, तो किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है, किसके पक्ष में सीट जा रही है बताएं। जी मैं तो यही कहना चाहूंगा, मानते हैं सुरेश राठौर जी ने बहुत सारे ऐसे काम है मोदी काम थे खाली ये पूछिए कि भैया वोट डाला नहीं डाला किसके पक्ष में डाला, ये जनता के विवेक के ऊपर छोड़ दीजिए।